हाँ जी, सत श्री अकाल। स्वागत करते तुहाडा अपने न्यू ब्लॉग दे विच, ते उम्मीद करते तुसी सारे ठीक ठाक हो। आपां भी ठीक ठाक हाँ, ते इसे उम्मीद दे नाल अज आपां तुहाडे लई लै के आए अपना फिर तो डेली रूटीन ब्लॉग। ते प्लीज़ ब्लॉग वधिया लग्या ते कमेंट करके ते एक लाइक करके जरूर जायो ते कमेंट करके दस्सियो तुहानूं किदां दा लग्या। ते अज अपना धरिया होया साग, ते अज हैगी 28 अक्तूबर। अनमोल के पापा कल ही आए थे, वो कहते थे भी साग खाना, तो फिर अच्छ आप बना लिया। तो नाल बनावे मिस्सिया रोटियां, तो हूँ मैं बस आटा गुन्न लगी सी, नाल ही आटा कट लिया, आलण का भी आटा, तो चुले पर पकावे रोटियां भी, तो पहला आलण पा लाँगे फिर आप रोटियां पका लाँगे चुले पर ही पकावे। तो बने रहो ब्लॉग के एंड तक, तो तुम भी दस्यो तुम साग इस सीजन का कितनी बारी बना लिया नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो। तो आप हम पानी गर्म कर लिए, आलण च पावे तो नाल ही आप आटा गुन लिए, तो फिर आप मिलते हैं तुम्हें बाहर। प्लीज थम्स अप दे साग का, देखिए स्टेप अपना घर दही आटा वागा। पहला तो मक्खी ना घर दही पीसी गई अपनी मक्खी, मसली जावे
ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਫਿਰ ਝੋਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗੋਹਾ ਲੈ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਚੱਲ ਮਾਚਿਸ ਨੇ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਦੇਖਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਲੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਰੱਖੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ Thank you.